दोस्तों, अगर आप कोई भी गेम वाला चैनल बनाते हैं या अदर कोई टेक्निकल चैनल बनाते हैं तो दोस्तों उसके अंदर आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप गेम की वीडियो बनाते हैं और उसके अंदर आपको गेम रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ती है और उसके अंदर आपको एक ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए जिसके अंदर कोई भी लैग वगैरह ना हो और आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्यूचर भी वो दे दे। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो ऐप बताने वाला हूँ उसके अंदर आपको ये सभी फ्यूचर हैं वो मिल जाएंगे। और अगर आप कोई भी टैक वाली वीडियो बनाते हैं या कोई भी अदर वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डर की जरूरत पड़ी जाती है, क्योंकि अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो आपको फ़ोन के अंदर अगर कुछ भी दिखाना है तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करना पड़ता ही है। तो आज मैं आपको बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे एक और न्यू वीडियो में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उस ऐप का नाम है जीयू रिकॉर्डर। इस ऐप को आप आराम से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये 15 से 20 एमबी के बीच में वहाँ पर मिल जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्यूचर मिल जाते हैं, जैसे कि फेस कैम वगैरह, पेंट हो गया, ये सारे फ्यूचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। और आज मैं आपको इसकी पूरी सेटिंग बताने वाला हूँ कि कैसे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल पर अगर आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी और प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद सिंपली से इस ऐप को यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर में जो 5 ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से जो पहला ऑप्शन है उसके दोस्तों अंदर यहाँ पर आपकी जो स्टोरेज है वो यहाँ पर आपकी दिखा देता है। दूसरे के अंदर आपको ये जो फ्लोटिंग विंडो होती है ये आपकी मिल जाती है, जो कि आपके स्क्रीन, जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तब आपके यही, जैसे कि मैं बैक कर लेता हूँ तो ये फ्लोटिंग विंडो यहाँ पर रह जाएगी। और यहाँ से आप जो पहले वाला ये गोल वाला सर्कल है इससे आप अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको यहाँ पर ऑन करेंगे। और जो यहाँ पर दूसरे वाला बटन है इस पर आप सिंपली से अपने ऐप के अंदर चले जाएंगे। और जो यहाँ पर तीसरे वाला ऑप्शन दिया हुआ है इससे आप यहाँ पर कोई भी पेंट वगैरह कर सकते हैं, जिस भी कलर का आप यहाँ पर पेंट वगैरह करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ भी आप यहाँ पर इससे लिख सकते हैं। और जो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन है इसके अंदर आप यहाँ पर कैमरा वगैरह, जैसे कि अगर आपको फेस कैम करनी है तो उसके लिए भी आप इसको यहाँ पर सिंपली से यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं, अगर आप इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन शॉट का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप यहीं से स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। ऑडियो सेटिंग आप कर सकते हैं कि माइक्रोफोन वाली आपको रिकॉर्डिंग करनी है या फिर इंटरनल ऑडियो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है, ये भी आप इसी ऐप से यहाँ पर सिंपली से कर सकते हैं। तो हम चलते हैं दोबारा से फिर ऐप के अंदर और मैं आपको इसकी नेक्स्ट लेवल की यहाँ पर सेटिंग बता देता हूँ कि आपके अंदर इसके अंदर आपको कौन सी सेटिंग यहाँ पर करनी है। तो आप यहाँ पर ऑडियो सेटिंग अपने अनुसार कर सकते हैं। अगर आप गेम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इंटरनल ऑडियो रख सकते हैं, जिससे कि आपकी बाहर की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ आपके फ़ोन के अंदर जो भी आपके गेम की फायर वाली आवाज़ है वो सभी रिकॉर्ड होगी। और यहाँ पर आप वीडियो ओरिएंटेशन, मेरी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आप कोई भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। वीडियो सेटिंग आप जितने भी यहाँ पर अपनी वीडियो की क्वालिटी रखना चाहते हैं वो भी आप सिंपली से यहाँ पर रख सकते हैं। अपना पर्सनल वाटरमार्क भी दोस्तों यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर आपको खुद इस ऐप का खुद का आपको यहाँ पर कोई भी वाटरमार्क नहीं देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पर खुद का वाटरमार्क इसके अंदर लगा सकते हैं, जो भी वीडियो आप रिकॉर्ड करोगे उसके अंदर आपका वाटरमार्क आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 3-4 थीम है वो फ्री में मिल जाती हैं, जैसे कि अभी तो ये थोड़ी ऑरेंज टाइप सी आपको फ्लोटिंग विंडो मिलती थी, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हैं। फ्लोटिंग बॉल यहाँ पर आपको मिलती है, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो दोस्तों ये आपको वहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको जब इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपकी ये ऑन हो जाएगी। और ब्रश वाला ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया, कैमरा का भी, स्क्रीन शॉट का भी। हाइड द रिकॉर्डिंग विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, इससे आपका क्या होगा, जब भी आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तब आपकी जो ये वाला ये सर्कल है ना, जो आपकी फ्लोटिंग विंडो है, ये आपकी नहीं दिखाई देगी। आपको सिंपली से क्या करना है, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है हाइड विंडो ड्यूरिंग आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट, ये आपका जब होगा जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपकी जो ये विंडो है वो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगी। और सेफ फोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, दोस्तों अगर आप इस वीडियो को, जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको आप स्टॉप करना चाहते हैं तो आप अगर आप सेक कर अपने फ़ोन को जैसे हिलाएंगे तो वहाँ पर आपकी जो वीडियो है वो रुक जाएगी, अगर आप इस फ़ोन को ऑन करते इस जो ऑप्शन है इसको ऑन करते हैं तो। काउंट डाउन का मतलब है कि जब आप वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तब आपको जो 3 सेकंड है वो आपके लेगे कि 1, 2, 3 या तब स्टार्ट होगी। अगर आप इस काउंट डाउन को थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर नो काउंट डाउन भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। और कीप रिकॉर्डिंग वन स्क्रीन इज ऑफ, इसका मतलब है कि जब आप अपनी स्क्रीन को ऑफ करेंगे तब आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगी, ये भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप है दोस्तों, आपने यहाँ पर सभी चीज़ देख ही ली होगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी और प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक न्यू ब्रांड वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद।